अगर आपका भी पोको का फ़ोन है और आपका जो फ़ोन का जो डिस्प्ले है उस पर अचानक से ऐड आ जाता है तो क्या इस वीडियो में बताने वालों कि कैसे आप अपना पोको फ़ोन का डिस्प्ले ऐड को आप जो कि यहाँ पे ब्लॉक या फिर यहाँ परमानेंटली जो है कि कैसे आप अपना डिस्प्ले ऐड को यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं। नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप वीडियोज़ को देखते देखते भूल जाते हैं, वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए यहाँ से। और अगर आप हमारे चैनल पर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके आपको यहाँ से ऑल पे क्लिक कर देना है। तो अगर आपका ही पोको का जो फ़ोन है उस पर यहाँ पे डिस्प्ले ऐड आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से आपका जो फ़ोन का सेटिंग है यहाँ से सेटिंग में आ जाना है। और सेटिंग में आने के बाद आप नीचे इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं गूगल का जो ये है, गूगल है ऑप्शन जो है सर्विस एंड परफॉर्मेंस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर एड्स का एक ऑप्शन है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं रिसेट एडवर्टाइजिंग आईडी, डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी। तो आपको क्या करना है, यहाँ से रिसेट एडवर्टाइजिंग आईडी के ऊपर क्लिक करना है और फिर से एक बार यहाँ पे डिलीटेड एडवर्टाइजिंग पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर डिलीटेड एडवर्टाइजिंग पर क्लिक करते हैं देख सकते हैं यहाँ से जो कि डिलीटेड हो चुका है। और उसके बाद आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे लर्न मोड का एक ऑप्शन आपको मिलता है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लर्न मोड के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पर माई एड सेंटर यहाँ पर जो गूगल का है वो इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से आपको ट्विटर पर क्लिक करना है और यहाँ से माई एड सेंटर जो है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद जो कि ये वाला जो ऑप्शन होगा पर्सनलाइजेशन ऐड करके ये ऑन होगा, आपको तो इसके क्लिक करके यहाँ से टर्न ऑफ कर देना है। और जैसे आप टर्न के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पर उसके बाद फिर गो टू के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ से टर्न ऑफ करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपना होम आ जाना है। और उसके बाद जो आपका फ़ोन में गूगल क्रोम है आप उसमें गूगल क्रोम को ओपन करेंगे और गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपको थ्री डॉट में आ जाना है। इस तरीके से थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेटिंग्स में आना है। जैसे सेटिंग्स में आप क्लिक करते हैं तो नीचे में इस तरीके से देखेंगे एक ऑप्शन आपको मिलेगा साइट सेटिंग, तो आपको यहाँ से क्या करना है साइट सेटिंग में आ जाना है। साइट सेटिंग में आने के बाद इस तरीके से नीचे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे देख सकते हैं कंटेंट में थर्ड पार्टी यहाँ पे कुकीज जो है यहाँ पे आपका ऑल थर्ड पार्टी कुकीज इनकमिंग मोड में होगा, तो इसको क्या करना है यहाँ पे ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज में आपको ब्लॉक कर देना है। और यहाँ से फिर आपको बैक आ जाना है और बैक आने के बाद यहाँ से प्रोटेक्ट कंटेंट में आप इस तरीके से क्लिक करेंगे देख सकते हैं अलाउ होगा तो आपको इसको ही ब्लॉक कर देना है। और फिर आप बैक आएंगे, बैक आने के बाद यहाँ पर थर्ड पार्टी साइनिंग इस तरीके से होगा तो इसको भी आपको ऑफ कर देना है। और ये सब सेटिंग करने के बाद आपको सभी बैकग्राउंड से इस तरीके से अपना जो भी आपने अपने यहाँ पे ऐप्स है उसको मिनिमाइज करके डिलीट कर देना है। उसके बाद जो आपका पोको का फ़ोन है उसमें ऐड नहीं आएगा बिल्कुल, ऐड जो है आपका डिस्प्ले ऐड जो वो ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आप का फ़ोन में डिस्प्ले ऐड आ रहा है पोको का फ़ोन में तो आप कमेंट कीजिए, आपको मैं एक रामबन तरीका बताऊंगा जिसके बाद जो है कि फाइनली आप कभी भी किसी भी फ़ोन में आपका ऐड नहीं आएगा।